trigonometry from 151 to 200. Now, we have 7 sine square theta plus, ये भी question एक बार आ चुका है शायद ना, देखो यार आप इसमें अलग कर लो इसको. अच्छा एक लॉजिकल, देखो tan थीटा पूछा हुआ है, एक ऑप्शन 1 बाई रूट 3, एक 1 और रूट 3, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें tan थीटा की वैल्यू नहीं आ पाएगी. हम 1 बाई रूट 3 लेते हैं, तो tan थीटा 1 बाई रूट 30 पर होता है. जब 30 पुट करो ये कितना हो जाएगा, और ये जाएगा 3 इंटू 3 बाई 4, दिस इज 16 बाई 4, 4 आ रहे हैं, इसका आंसर ए. ठीक है ना, आप ये भी कर सकते थे, ये करना है. ओके, रिवर्स प्रोसेस ले लो ऑप्शन से. टेन 9 डिग्रीज पी बाई क्यू, तो ओके इन दिस क्वेश्चन करेक्शन है, यहां पर कॉट स्क्वायर होगा. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. सेक के सारे हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 81 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर 81. ठीक है भाई, दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर 81, नीचे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 81 और नीचे से 10 स्क्वायर 81 हो जाएगा, वो ऊपर आगे बचेगा क्या 10 स्क्वायर 81. अब आंसर हो गया आसानी से, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर. समझे, घटिया क्वेश्चन है. sec थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल 5, तो sec थीटा माइनस 10 थीटा कितना होगा, अब हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि हमें 10 चाहिए, तो 2 tan थीटा इज इक्वल 5 माइनस 1 बाई 5 और 24 बाई 5, या tan थीटा इज इक्वल 12 बाई 5, तो जाएगा 12 बाई 5 प्लस 1 अपॉन 12 बाई 5 माइनस 1. ठीक है, 17 बाई 7 डी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्शन मतलब sec थीटा होगा. देखो आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर, तो tan थीटा कितना होगा, अंडर रूट. हमको दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा. ठीक है, अरे साथ में cosec थीटा भी है, तब तो आसान हो गया. sec थीटा प्लस, देखो cosec को मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन साइन, ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन, एक काम करो एक sec थीटा रखकर स्क्वायर थीटा नीचे कर लो, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा. राइट, मुझे एक sec कॉमन कराना था, तो ये जाएगा sec थीटा कॉमन, अंदर जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन cos, तो tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो फाइनली बचेगा sec टू द पावर 3 थीटा. अब देखो यार अगर tan थीटा इतना, मैं अगले स्टेप लिख रहा हूं, देखते कितने समझ पाते हैं, sec थीटा की पावर 3 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1 बाई 2, भाई sec थीटा स्क्वायर में होता है तो अंडर रूट हो गया. अरे समझे, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 बाई 2, और tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो दिस इज 2 माइनस ई स्क्वायर 3 बाई 2 सी डी. अरे समझे, मैनेज करना है वहां तो लेके आना है क्वेश्चन को, नोट करो. देखो अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, मान ले 30. ठीक है, अबे 0 से 90 तक दिया हुआ है, नाउ cos 30 और इधर 3 बाई 4, अब ये बताओ बड़ा कौन सा है. अच्छा ये 1.73 है, दिस इज बाई 2, ये हो गया कितना 0.8 है ना, और ये 0.75, तो ये रॉन्ग हो गया. अरे समझे नहीं समझे बात. अच्छा अब यहां देखो ये करेक्ट है, लेकिन एक पॉइंट है, देखो इक्वल और इस पे अगर मैं जीरो रखता हूं, जीरो के बराबर नहीं है, हाँ जीरो के बराबर है, तो इसका आंसर केवल बी होगा. क्यों, अच्छा ऑप्शन एक ही दिए हुए ना. अच्छा यहां पर लेस देन कर लो यार, तब सही होगा. हाँ तो दोनों सेम नहीं है ऑप्शन, आंसर बी मार्क कर लो इसका. एंगल वैल्यू रखने से आएगा क्वेश्चन ये. ठीक है ओके, इस तरह क्वेश्चन कर चुके ना हम लोग अभी. देखो साइन 60 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल कॉसेक 60 2 बाई रूट 3, कॉट 30 रूट 3, सेक 45 2, ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया. ठीक है, ये एक्स बाई 2 इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल 2 ऑप्शन पर, थोड़ी फिगर चेंज कर दी, बाकी क्वेश्चन सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज नोटिस करना,
यहां पर ये a होगा, देखो x अपॉन a, y अपॉन b और z अपॉन c, ये पूछा मुझसे। तो देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज sec स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sec स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा और माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इफ वी टेक sec स्क्वायर अल्फा कॉमन, अंदर बच जाएगा क्या 1 और माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू क्या होती है 1। आंसर इज सी ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और दो बार एग्जाम में आया, 14 में भी 13 में भी आया था, इसको करेंगे कैसे। देखो यार, वी हैव गिवन विद कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा एज ए एंड साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा एज बी और वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, ठीक है ध्यान देना कैसे करेंगे। इसका एक सिंपल तरीका, अल्फा को मान लो 30, बीटा को मान लो 60। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो बहुत टाइम लग जाएगा, आसान तरीका समझो। कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 वन बाई टू, तो ए का वैल्यू होगी रूट थ्री, क्लियर। उसी तरह से साइन 30 वन बाई टू, रूट थ्री बाई टू, बी हो गया वन बाई। अच्छा आप एक चीज नोटिस करो, सारे ऑप्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर कितना। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, दो ऑप्शन में अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो में प्लस है ना। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केवल एक में, बाकी सब में प्लस वन माइनस वन है, तो जो सबसे कम हो वो स्टार्ट नहीं करते, जो सबसे ज्यादा वो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ज्यादा उसी से होते हैं। हाँ हाँ दोबारा बता रहा हूं, साइन स्क्वायर बीटा निकाल लो पहले, साइन स्क्वायर बीटा, साइन 60 कितना होगा 3 बाई 4। मैंने एक बात बोली, जब ध्यान देना इसके सोचते हैं कौन सा ऑप्शन से स्टार्ट करें हम। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो जगह अपॉन में है ना, और उसके बाद ऊपर देखो दो जगह प्लस वन, एक जगह प्लस वन, दो जगह माइनस वन, एक जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों एक एक बार है, ये दोनों दो दो बार है, समझो ए स्क्वायर माइनस वन। जो ज्यादा होता है वही 90% आंसर के चांसेस होते हैं, समझे बात। जो कम होता है वो कम आंसर होता है, जो ज्यादा है मतलब उसमें घुमा दिया क्वेश्चन में। तो देखो हम निकालेंगे, देखो मुझे 3/4 करना है कुछ भी करके, तो पहले मैं ए स्क्वायर माइनस वन करता हूं, तो देखो ए स्क्वायर माइनस वन क्या होगा 2, ठीक है दोनों जगह 2 होगा। अब नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब हम प्लस करते हैं दोनों को, पहले प्लस कर रहा हूं, तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 3 + 1/3 या 10/3। और देखो अगर मैं डिवाइड करता हूं 10/3 से इसको, तो हो जाएगा 5, 3/5 मुझे चाहिए 3/4, ये नहीं हो सकता, अरे समझे। अब माइनस करते हैं 3 - 1/3 8/3, यस दिस इज द आंसर, अरे समझे। अब मेरा देखो ऊपर आ गया 2, नीचे 8/3, 2 × 4 = 3/4, यस दिस इज द आंसर, अरे समझे। कैसे मैनेज किया है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, ऊपर दो जगह सेम वैल्यू है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद सॉल्व करके देख लो किस आंसर मैच करेगा, समझे। और एक बात, अगर ए स्क्वायर माइनस वन 2 आ गया, मुझे 3/4 चाहिए अपॉन में एक्स मान लो, तो एक्स वैल्यू होगी 8/3, देखो किससे 8/3 आ रहा है, अरे हमने मैनेज कर दो इन चीजों को, ये वैसे करो और लंबा जाएगा, दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। एक क्वेश्चन एम स्क्वायर एन स्क्वायर में भी आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन ऐसा ही। देखो यार आसान क्वेश्चन है, कॉस 60 वन बाई टू, सेक 30 2/√3 या 4/3, टेन 45 वन, अरे सबको सही करो ना। अच्छा साइन 30 1/4 प्लस कॉस 30 3/4, अच्छा ऊपर एलसीएम कितना आ गया 12, हाँ नीचे तो वन हो गया, ऊपर जो 12 आंसर आ गए ना, नीचे वन हो गया, तो अपॉन में 12 आना ही आना है, एक ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना। अच्छा 12 एलसीएम और 3 + 64 - 12, तो 64 + 3 कितना 67 - 12 = 55, बी ऑप्शन, ठीक है ना, आखिरी में 5 आएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा साइन स्क्वायर 30 1/4 कॉस 45 1/2 प्लस 5 × 1/3 प्लस 3/2 - 3 और कॉस स्क्वायर 90 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा। अच्छा एलसीएम कितना आ गया, देखो यहां पर 3 है, इधर 2 है, इधर 8 है, तो कितना एलसीएम आएगा 24। अच्छा ऑप्शन में देखो, अच्छा अब एक चीज नोटिस करते हैं, ऑप्शन सब में 24 है, ठीक है अब ध्यान देना, एक बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 4 × 3 = 12, यहां भी मतलब इस पे 2 आएगा, हर जगह 2 आएगा, प्लस यहां पे 2 + 7 = 9, इसमें लास्ट डिजिट 9 है, इसमें लास्ट डिजिट 5 है, इसमें लास्ट डिजिट 4 है, सॉरी 3, और इसमें लास्ट डिजिट
सेवन, बस लास्ट दीजिएगा, देखना हमको हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो 24 यहां पर 8 था तो ये 3 आ गया, प्लस यहां पे आ गया 40 प्लस 36 9, आंसर इज ए ऑप्शन। अरे समझ में मैंने क्या किया, अच्छा एक छोटी क्लास में सीखते हो ए बाई बी, ये पढ़ते हो तो होता है ए सी प्लस बी अपॉन सी, ये होता है ना। तो अगर 3 होल 7 बाई 24 है तो 24 थी 72 करोगे तो 2 प्लस 7 है, नहीं नहीं ना ना ना, 4 थी 12 2 आएगा, इनके गुणा में 2 आएगा, 2 में 7 जोड़ो 9 हो गया, 2 में 3 जोड़ो 5 हो गया, मैंने ये चेक किया है भाई। क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है कि हो जाएगा, जल्दी कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है, समझे। ओके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/3, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो वन हो गया, फिर सेम आंसर हो गया 1/3 ए ऑप्शन। ओके टेन थीटा इज इक्वल 1/√11, ये हो गया परपेंडिकुलर, हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √12 या 2√3, कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12 माइनस 12/11, नीचे 12 प्लस 12/11, तो ऊपर एलसीएम आएगा, देखो 12 कॉमन कट गया, 1 माइनस 1/11, नीचे 1 प्लस 1/11, 11 एलसीएम 10/12 या 5/6 सी ऑप्शन, ठीक है भाई। साइन पाई बाई 6 1/2, कॉस पाई बाई, कॉट पाई बाई 3 1/√3, सेक 30 2/√3 है ना, प्लस 5 अपॉन 12 पाई बाई 2 1, ठीक है, ये रूट 2 1/4 माइनस 2/3 प्लस 5/12, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 माइनस 8 प्लस 5 0, साइन थीटा 3/5 तो बेस कितना होगा 4, टेन थीटा 3/4, कॉस थीटा 4/5 अपॉन कॉट थीटा 4/3 प्लस कॉसेक थीटा 5/3, ठीक है भाई। और ये तरीका है, वैल्यू पुट करना है, देखो ऊपर एलसीएम आ गया 20, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 16, नीचे अच्छा ऊपर 31 आना है, 31 आना ही आना है, नीचे क्या हो जाएगा 9/3, तो 31/60 बी ऑप्शन। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा पी, तो देखो क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, अगर साइन थीटा कॉस थीटा एक पे प्लस हो माइनस हो और कोफिशियंट इधर उधर हो, तो आपको यही करना है, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा स्क्वायर इज इक्वल के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, देखो यार इसको ओपन कर दो आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2, अच्छा देखो यार ये 1 हो जाएगा, अच्छा कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ये मैंने 1 लिख दिया यहां पर देखो चला, ठीक है भाई, एंड सेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा और प्लस 2 ये अलग इज इक्वल के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट 10 कट गए तो देखो 2, 3, 5, 6, 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखो यार, साइन 21 इज इक्वल एक्स अपॉन वाई, दिस इज पी दिस इज एच, तो बेस क्या होगा, अच्छा देखो अगर मैं बना लू ट्राइंगल, ये हो गया 21 तो 69 हो जाएगा ना, अच्छा इस हिसाब से 21 के हिसाब से ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया अंडर रूट y स्क्वायर, ये तो करना है हमको। अब हमको पूछा है sec 21 माइनस साइन 69, sec 21 होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इस बात से समझ आए कि अपॉन में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, अरे समझे, माइनस साइन 69 अगर मैं इसको लेता हूं तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इसका मतलब वाई आएगा, ऑप्शन इज ए, करना है पूरा कर लो तो भाई हमारा काम हो गया है ना, आपको अगर
दिल को खुश रखना तो बुरा कर डालो, अदरवाइज क्वेश्चन हो गया है। अपन में वाई और वो आएगा, दो चीजें मिल गई, खत्म काम। देखो यार, सेक अल्फा टेन अल्फा टू, तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा कैंसिल कर दो, टू सेक अल्फा इज इक्वल फोर बाई टू, नहीं फाइव बाई टू, तो सेक अल्फा इज इक्वल फाइव बाई फोर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया क्या बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा तीन, साइन अल्फा थ्री बाई फाइव या पॉइंट सिक्स, सी ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इज इक्वल फाइव स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सर याद आया कुछ, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया तीन स्क्वायर, तो प्लस माइनस थ्री। ओके, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा टू, तो एवरी पावर विल गिव अस टू, आंसर इज वन। याद होना चाहिए आप लोगों को। अब यहां पे सॉल्व कर लो, x साइन 63 बाई फोर माइनस थ्री बाई टू सेक 62, टेन थर्टी स्क्वायर वन बाई थ्री प्लस फोर बाई फाइव वन बाई टू टेन सिक्सटी थ्री इज जीरो। देखो ये हो गया 3x बाई फोर माइनस, ये थ्री कटा, ये हो गया वन प्लस टू से ये हो गया सिक्स बाई फाइव इज इक्वल जीरो। अच्छा फाइव एलसीएम ले लो तो बचेगा कितना, थ्री एक्स बाई फोर माइनस वन बाई फाइव इज इक्वल जीरो, सॉरी प्लस वन बाई फाइव है ना भाई, मैं फाइव एलसीएम लूंगा माइनस वन प्लस सिक्स शिफ्ट कर लो, थ्री एक्स बाई फोर इज इक्वल माइनस वन बाई फाइव, तो एक्स इज इक्वल फोर बाई फिफ्टीन का नेगेटिव। ओके बहुत घटिया क्वेश्चन है, सेवन साइन अल्फा इज इक्वल ट्वेंटी फोर कॉस अल्फा, देखते कौन बात समझ पाता है, टेन अल्फा इज इक्वल ट्वेंटी फोर बाई सेवन, हाइपोटेन्यूज हो गया पच्चीस, याद है सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव। आपसे पूछा हुआ है फोर्टीन टेन अल्फा माइनस सेवेंटी फाइव कॉस अल्फा माइनस सेवन सेक अल्फा, बस जल्दी रखना है क्या क्या हो सकता है, फोर्टीन ट्वेंटी फोर बाई सेवन माइनस सेवेंटी फाइव कॉस अल्फा, सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन सेक अल्फा, ट्वेंटी फाइव बाई सेवन ही कट गया, ये थ्री टाइम कटा ये टू टाइम कटा, फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो गया टू। बस इसमें ना टाइम लगता है, बहुत फास्ट करना होता है आपको कैलकुलेशन। बहुत घटिया क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, ये उल्टा है माइनस वन, बच्चा उसमें घूमने लगेगा उधर करेगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकल है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, उल्टा दिया माइनस वन। एक मिनट ना, एक शायद आप बात समझ पाओ ना पाओ, मैं जो लिखने जा रहा हूं ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितने लोग समझ पाए। देखो मैंने क्या किया होगा, ऊपर वैल्यू में वन को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ना 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 हाँ होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब आंसर में अंडर रूट वो होल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, कि ये नहीं पॉसिबल ये नहीं पॉसिबल ये नहीं, केवल बी आंसर होगा। देखिए बात, अगर हमारा स्क्वायर हो रहा है पूरे पूरे का, देखो समझो कैसे हुआ होगा स्क्वायर, ये देखो वन को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और टू साइन थीटा कॉस थीटा, अरे समझे भाई, ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे वन को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू वो भी साइन थीटा, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा। देखो 49 तो स्क्वायर, लेकिन एक जीरो है, दो जीरो होने चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, तो केवल आंसर क्या बचेगा बी। लेकिन कैसे हुआ होगा, इसको मैंने डिवाइड किया होगा इसे कॉस से, तो टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन, राइट। अच्छा अब मैं जब सॉल्व करता हूं क्या हो जाएगा, 31 प्लस 29 बाई 29, 31 माइनस 29 बाई 29, ये मैं आंसर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, 29 कट गया, ऊपर कितना 50 बाई 2, हाँ और क्या हो गया 30 स्क्वायर 900, तो हमारा आंसर तो यही आ गया था जब हमने देखा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अरे भाई बहुत तरीके हो सकते हैं, जो अच्छा लगे वो करना। देखो रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेट दिस इज रेक्टेंगल ए बी सी डी। अच्छा सोचो निकालना, देखो टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, अब ये हो गया सेक स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने ए सी डायगनल है मेरा, ठीक है, तो बी ए सी एंगल कौन सा होगा, बी ए सी ये एंगल होगा और सी ए डी एंगल ये होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब एक बात समझने की थी, मान लो थीटा थीटा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो ये हो जाएगा कितना, सेक को वन अपॉन कॉस करो, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा,
हाँ अच्छा, तो फिर तो 90 हो जाएंगे दोनों का। हाँ, फिर तो और आसान हो गया। सुनो, ये हो गया, इसको मान लो आप अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो ये हो जाएगा साइन sec स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, इनका सम कितना 90, आंसर इज 1। और बहुत सिंपल बात है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब 1 होने ही होना आंसर, कुछ दिया ही नहीं इसमें ना, कोई लेंथ दी है, तो आंसर 1 ही आएगा, दोबारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नहीं समझे बात, मैंने बताया ना साइन थीटा अपॉन कॉस बीटा कब होंगे 1, जब उनके एंगल का सम 90 होगा, तो 90 हो गया। आई बात समझ में, टेन एक्स इज इक्वल साइन 45 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2, आंसर 1 45। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos थीटा अपॉन, देखते कितने लोग समझ पाए। ठीक है, अब अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर, कितने लोग समझ पाए इस बात को, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है ना। अब इतना लेवल चाहिए आप लोगों को एसएससी के लिए, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, सेपरेट करो 1 अपॉन sin cos sec माइनस cot, सी ऑप्शन। आप थीटा को पुट करो 60, देखो वैल्यू जगह जगह, थीटा पुट किया 60 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अंडर रूट, कितना हो गया 1 बाई रूट 3, समझे। वैल्यू पुट करो, कौन सा ऑप्शन 1 बाई रूट 3 दे रहा है, सी देख लिया, सी आंसर आया था ना, sec थीटा sec 30 सॉरी 60 cos 60 सॉरी 2 बाई रूट 3 और cot 60 1 बाई रूट 3, ये आगे 1 बाई रूट 3, तब मान आंसर हो गया सी। जो भी चाहो जल्दी करना चाहिए आपको, एंगल वैल्यू मान लिया मैंने 60 क्यों माना, क्योंकि रूट तभी हट पाएगा, अगर मैं थीटा को कुछ और मान लूंगा तो sec थीटा माइनस 1 रूट नहीं हटा पाएगा, ऐसी वैल्यू मानो जिसमें रूट ना आता हो, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल आर, देखो सम है 135 एंड डिफरेंस है पाई बाई 12 क्या 15। अच्छा अब देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 75 प्लस 60 135 डिफरेंस 15, यही आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी में इसमें 5 डिफरेंस है, इसमें 45 डिफरेंस है, केवल एक में डिफरेंस 15 है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था, अगर आप कन्वर्ट करोगे आंसर आसान है। नेक्स्ट, और यहां पर करेक्शन कर लो, साइन साइन होगा, नो ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, एंगल बी इज 60 एंड दिस एंगल इज 45, देर इज ए लाइन विच डिवाइड दिस इन द रेशियो 1:3। ठीक है, मान लेते साइड 3x है, ये x है, ओके। अब हमको बी ए डी मान लेते हैं, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, सो वी हैव टू कैलकुलेट साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो साइन रूल क्या होता है, जिस भी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, उसके सामने की साइड का रेशियो आता है, तो मैं बात करूं पहले इस ट्रायंगल की, साइन 60 अपॉन एडी, देखो 60 का क्या साइड है एडी, इज इक्वल साइन अल्फा अपॉन बीडी। उसी तरह इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन 45 अपॉन एडी इज इक्वल साइन बीटा अपॉन 3x। अब मुझे देखो एडी एडी इक्वल कर देना है, बस हमारे पास क्या होगा, देखो इसको उल्टा कर लो, एडी अपॉन ये वैल्यू साइन 45 कितनी होगी 1 बाई रूट 2, तो दिस इज रूट 2 एडी इज इक्वल 3x अपॉन साइन बीटा। ठीक है, और एडी की वैल्यू कितनी आ गई 3x अपॉन रूट 2 साइन बीटा। अब ये वैल्यू यहां पुट करो एडी की, तो देखो साइन 60 रूट 3 बाई 2 अपॉन एडी 3x और रूट 2 साइन बीटा इज इक्वल साइन अल्फा अपॉन x, ये x कैंसिल हो गया, साइन बीटा नीचे आ जाएगा, तो दिस इज रूट 6 बाई 6 इज इक्वल साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा 1 बाई रूट 6। इसका एक शॉर्टकट हो सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, अभी आप ये नोट कर लो। नेक्स्ट देखो यार आसान क्वेश्चन, देखो मेन्स का क्वेश्चन, साइन 3a इज इक्वल कॉस a माइनस 26, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल सम इज, तो 4a इज इक्वल 116, a इज इक्वल 29। ठीक है ना, अब देखो आसान क्वेश्चन भी आ गया, मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक हमने एक चीज नीचे भी जीरो बन रहा है ना,
नीचे भी जीरो में दोनों वन बन जाएंगे करके, sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू, हाँ दोनों में से कॉमन वैल्यू सेम आ रही है, नीचे टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फोर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर मैं 40 वाले दोनों सेम हो जाएंगे है ना, इसलिए वो जीरो जीरो पर नीचे जीरो कट जाएगा, बराबर आ रहा था। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं पूरा, जीरो पर नहीं आएगा, नीचे गड़बड़ हो जाएगी ना, नीचे जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो पहले जल्दीबाजी कर दी थी कि यार 45 रख के आगे सॉल्व नहीं किया था, नीचे भी जीरो आ रहा था, अनडिफाइंड हो जाता उस केस में। तो देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉमन ले लो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर हो गया 1। एंगल को कभी गड़बड़ कर जाती है, मेन जब पूछा ना कुछ तो लोचा होगा। x इज इक्वल a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो अब सॉरी a नीचे ले आओ x अपॉन a, y अपॉन b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा x बाई a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस, क्या होता है इसका वैल्यू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि वन होता है, आंसर इज टू। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, 5 थीटा प्लस 20 इज इक्वल 90, 5 थीटा इज इक्वल 70, थीटा इज इक्वल 14, डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 2 sec थीटा इज इक्वल 3 cosec स्क्वायर थीटा, देन वैल्यू थीटा, देखो ऑप्शन से करते हैं, ये 30 है, दिस इज 45, दिस इज 60, दिस इज 36, देखो 30 तो हमारे लिए आसान नहीं है, हम देखते हैं बाकी वैल्यू, 45 देखो पहले sec 45 रूट 2 इसका स्क्वायर 4, इधर cosec स्क्वायर 45 1 बाई रूट 2, तो इक्वल नहीं आ रहा ना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तब भी नहीं है, इक्वल नहीं आएगा। अच्छा अब देखो 30 देखते हैं, अच्छा एक चीज देखो, ऐसी वाली मानो जिसमें भी सेक तो रूट में ना होता हो, कॉसेक रूट में होता हो, क्योंकि स्क्वायर हट रहा है वहां पर, तो सेक रूट में कहां नहीं होता है 60 पर, तो अगर यहां 60 लेंगे तो दिस इज 4 और 3 कॉसेक 60 3 बाई 4 सॉरी 4 बाई 3 इक्वल हो गया ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एंगल माने बताओ, 30 डिग्री, देखो रूट के अंदर साइन है, रूट में साइन तभी सॉल्व अच्छा रहेगा जब आप उसको ऐसी वैल्यू जो कि सिंप्लीफाई हो जाए, 30 मान ले थीटा को माने हम 30, तो देखो ये क्या आंसर हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cot 30 रूट 3 2 रूट 3, और ये कितना हो जाएगा sec 2 बाई रूट 3, ये है हमारे पास। अब देखते क्या आंसर आता है, देखो ऊपर बन गया क्या 3 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 3 प्लस 1 बाई रूट 3, फोर बाई रूट 3 है ना, ना ये आंसर है डी ऑप्शन, ये 2 sec थीटा 2 भी तो साथ में था, 4 बाई रूट 3 डी आंसर। अरे समझे, एंगल को मैनेज कर लो, आप चाहो तो कॉन्जुगेट कर लो, वो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्जुगेट करना अच्छा लगेगा शायद आप लोगों को। क्वेश्चन देखो कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 3 बाई 5, ये हो गया बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो गया 4, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, साइन हो गया 4 बाई 5, सेक थीटा 5 बाई 3, टेन थीटा 4 बाई 3, ठीक है भाई, तो 16 बाई 9 बी ऑप्शन। ए को मान लो 45 डिग्री, 1 प्लस 1 माइनस sec 45 रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो माइनस 2 डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल साइन 4 अल्फा माइनस बीटा 1, तो 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल cos 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 60, 6 अल्फा इज इक्वल 150, अल्फा इज इक्वल
25 डिग्री, अल्फा 25 तो बीटा इज इक्वल 10. क्या पूछा है? साइन अल्फा प्लस 2 बीटा 25 प्लस 20 45 1 बाई रूट 2. डी ऑप्शन. इतना तेज होना पड़ेगा आपको एंगल के लिए यार, जल्दी जल्दी करना सीखो चीजों को. देखो कॉसेक थीटा आपको दिया है रूट 3 बाई 1, मान लो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, हो गया क्या परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा 2. अरे समझे, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस कॉसेक थीटा रूट 3 है, बेस कितना है रूट 2 बाई परपेंडिकुलर 1, तो माइनस रूट, ये हो गया आंसर ए. नाउ करेक्ट दिस एज थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ 10 थीटा माइनस 15. अब देखो यार एक बार मजेदार बात, हाँ देखो अगर हमें ऑप्शन में 1 आता है हमारा आंसर मान लेते हैं, तो थीटा माइनस 15 कितना 45, उस हिसाब से थीटा आएगा 60. जरा रख के देखो 4 cos 60 1 बाई 4 माइनस 4 बाई 2 प्लस 1. अरे समझे, इससे आपका 1 माइनस 2 प्लस 1 जीरो आ रहा है, हैंस आंसर इज बी ऑप्शन. रिवर्स क्वेश्चन कर लिया, पूरा इक्वेशन कहां तक सॉल्व करते रहोगे. अच्छा जब भी दो स्क्वायर का सम जीरो आए कब होता है, व्हेन बोथ सेपरेट आर जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल रूट 3 बाई आर एंड साइन थीटा इज इक्वल 1 बाई आर. अच्छा अगर आर आपका 2 हो जाए, ध्यान देना अगर आर 2 तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री. अरे बोलो, रख दो आर 2 थीटा 30 10 30 1 बाई रूट 3 प्लस सेक 30 2 अपॉन रूट 3, नीचे 2 इंटू 2 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, तो रूट 3 कट जाएगा 4 बाई 5. यह आसान तरीका होने से बहुत लंबा जाता, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि भाई दोनों जगह आर को सेम मान लूंगा 2 तो बाकी से मेरा आसान हो गया, है ना एंगल आ गया. अच्छा एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन सी कॉस डी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 90, नीचे ये वैल्यू, अगर मैं इसको कॉट स्क्वायर 20 कर दूं तो ये देखो एक रूल ध्यान रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 होता है, लेकिन ये उल्टा है तो माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 आंसर इज ए. ठीक है भाई, ओके कितना घटिया क्वेश्चन है, थीटा प्लस 18 प्लस 60 इज इक्वल 90, याद है कुछ रूल, तो थीटा प्लस 78 इज इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल 12, आपसे पूछा है कॉस 5 थीटा कॉस 60 1 बाई 2, ए ऑप्शन. ठीक है भाई, टेन थीटा 3 बाई 4, तो यहां से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3, टेन स्क्वायर थीटा 4 इंटू 9 बाई 16 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 9 बाई 16 प्लस 3, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, तो ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया 21. ओके अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं एक बार, याद है सेम क्वेश्चन ही तो है ये, इसका आंसर क्या आएगा सी. ठीक है अभी कराया था मैंने इस क्वेश्चन को, हाँ तो दो बार ये इस तरह का एक एमएन में भी आया था क्वेश्चन, ये मुझे तीन चार बार आया हुआ है. अच्छा लेट ए बी सी डी बी द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इफ दे आर कॉनसाइक्लिक. देखो एक बात समझना, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑप्शन वैल्यू है तो उस केस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल 3. और दूसरी बात अपोजिट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल 180 एंड सी प्लस डी सी बी प्लस डी इज इक्वल. अब एक रूल समझना, कॉस ए प्लस कॉस बी, मैं दोनों को चेंज कर रहा हूं, सी को लिख रहा हूं 180 माइनस ए और प्लस डी को 180 माइनस बी, ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस बी कट गया कॉस ए कट गया, आंसर जीरो. ठीक है ओके, रूट 3 टेन थीटा, ध्यान देना एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहां पर 10 को साइन अपन कॉस कर लू तो साइन सेन कट जाएगा, तो ठीक है कॉस थीटा, सुनो कॉस थीटा जब मैं इसको करूंगा साइन अपन कॉस तो साइन सेन कट जाएगा, कॉस हो गया रूट 3 बाई 3. अरे समझे,
तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस परपेंडिकुलर रूट टू, तो साइन स्क्वायर थीटा रूट टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस कॉस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर। अरे समझे, टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, आंसर इज वन बाई थ्री। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन या तो आप वैल्यू पुट कर दो भाई, 75 को आप लिख दो 45 प्लस 30 है ना, और फॉर्मूला लगा दो तो साइन 45 वन बाई रूट टू इंटू कॉस 30 रूट थ्री बाई टू प्लस अगला वन बाई रूट टू इंटू वन बाई टू, तो टू रूट टू कॉमन आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है भाई,